कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे तो गैस फाइनली पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है इसका रजिस्ट्रेशन डेट कैसे आप इनिशियल टेस्ट पास कर सकते हैं कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है तमाम डिटेल्स आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना इसके अलावा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है थोड़ी देर पहले अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं उसमें हमने तमाम जो कन्फ्यूजन्स के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी किए और आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताई भी है तो इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं तो सबसे पहले अगर हम चले रजिस्ट्रेशन डेट की तरफ तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है वो टेंथ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है और फोटीन मई तक ये चलेगी यानी कि एंड जो है वो फोटीन मई है इस बीच में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है मेरा मशवरा ये है कि आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन थोड़ी मिडल में कराएं ताकि आप लोग की डेट थोड़ी लेट आए और जो हम आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और आप अपना टेस्ट अच्छे से अच्छे क्लियर कर सके तो अब चलते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ तो क्राइटेरिया टू जॉइन पाक आर्मी थ्रो पी एम ए लॉन्ग कोर्स वन फिफ्टी टू कैंडिडेट्स हैव टू पिल दिस एलिजिबिलिटी कंडीशन एज जो है चेक द गिवन बिलो टेबल फॉर एज एलिजिबिलिटी कंडीशन जेंडर ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर पी एम ए वन फिफ्टी टू मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए फॉर सर्विंग ट्वेंटी ईयरिट आर एलिजिबल उसके बाद नेशनैलिटी जो है वो ऑल मेल ऑफ़ पाकिस्तान एंडाइल होल्डर्स फ्राम आजाद कश्मीर एंड गिल्तिस्तानल सेलेक्शन कैंडिडेट हैदर नेशनैलिटी एक्सेप्ट पाकिस्तान आपकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए अगर सेलेक्शन के बाद फाइनल सेलेक्शन के बाद पता चलता है कि किसी कैंडिडेट के जो पास जो है ड्यूल यानी कि दो मुल्कों की नेशनलिटी है तो उसने दूसरे मुल्क की नेशनलिटी को उससे तर्क कर करना होगा और पाकिस्तानी नेशनलिटी को अपनाना होगा उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तरफ अगर हम आए तो मिनिमम हाइट आपकी फाइव होनी चाहिए यानी कि वन सेंटीमीटर उसके बाद हमारे पास आता है आपकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए अगर एजुकेशन की तरफ़ आए तो आपकी जो एफ़ एस सी में फ़िफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स मिनिमम होने चाहिए कैंडिडेट्स हु सिक्योर सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन अबव बीए बीएससी बीए बीएससी ऑनर्स बीबीए बी विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एफ़ एफ एस सी आर एलिजिबल फॉर पी एम ए लॉन्ग कोर्स जिन बंदूक ने बीए या बी या फिर बीबीए किया हुआ है और उनके इस सब्जेक्ट्स में जो है वो सिक्सटी परसेंट मार्क्स हैं अगर उनके एफए या एफएससी में फिफ्टी परसेंट मार्क्स भी है तो वो एलिजिबल होंगे इसके अलावा अगर हम एजुकेशन एज और एज रिलैक्सेशन की तरफ आए यहाँ पर एक कम्प्लीट टेबल बना हुआ है तो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट के जो एजुकेशन के यानी कि एफएससी के या एफए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐज है सतारह से बाईस साल तक और एज रिलैक्सेशन तीन मंथ्स है अपर और लोअर लिमिट्स में उसके बाद ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो एज लिमिट है वो सतारह से तेईस साल के दरमियान है उन्हें भी तीन मंथ का रिलैक्सेशन है ग्रेजुएट्स फोर ईयर प्रोग्राम बी एस के लिए है सतारह से चौबीस साल एज है और इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है तो गायस ये था एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया इनशाला नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी कि आप कैसे अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और आपको प्रिपरेशन के लिहाज से भी कंप्लीट मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो गायज आज की वीडियो पर एंड करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक के लिए खुदा हाफिज़ थैंक यू गायस